तो आज मम्मी और दादाजी को वैक्सीन लगनी है, लेट हो गया हूँ उठते उठते। तो शिवांगी उनको लेके चली गई, उसका कॉल आया था मेरे पास कि भाई मैं लेके चली गई। वहाँ पे जा रखी तो मैंने उसे बोला कि थोड़ा बहुत विजुअल प्लीज़ वहाँ के, वो लोग आते हैं तो फिर एक्सपीरियंस जानते हैं उनसे। मैं सुबह उठने में लेट हो गया था, तो इतने में मम्मी और दादी जा चुके थे हमारे वॉरियर के साथ, शिवांगी के साथ, वो लेके गई थी इन लोगों को। वी आर ऑलरेडी लेट। दादाजी घबरा रहे हो आप? और मम्मी आप? थोड़ा वहाँ जाके ही पता चलेगा आप क्या होगा। और वहाँ से लगवा के आ चुके हैं, तो सुबह तो मैं जाते हुए इनको दिखा नहीं पाया, तो अभी आ चुके हैं तो इनसे पूछ लेते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाथ तो पकड़ रखा है दोनों ने अपना अपना कि कुछ तो हो गया। तो मैं इधर बैठा तो नीचे, हाँ अब बताओ आप। तो पहले मम्मी आप बताओ। आज तो कम हो रहा है क्योंकि आज लगा हुआ है, कल देना, कल बहुत ज्यादा होगा। आज तो वही वही पे हो रहा है ना जहाँ पे सुई घुसा रखी है। अच्छा, लेफ्ट में लगा था। लेफ्ट में आज तो इतना नहीं हो रहा, पर कल देखना कितना होगा। बुखार भी नहीं आया अभी, पीछे पड़े हैं। ठीक है, मतलब जितना डर लग रहा था ना, उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं था, बढ़िया ही था। मतलब जो आप डर रहे थे कि सुई घुसेगी, घुसा देते, ऐसा कुछ नहीं था ना, मतलब हमने नहीं देखा। डर तो मुझे बहुत लग रहा था। तो वहाँ गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ से? एक्सपीरियंस क्या ठीक ही रहा। शिवांगी थी हमारे साथ गाइड हमारे, तो उसने कैब बुक कर दी थी, तो उठाई भी नहीं था, तो कैब बुक कर दी लेकर, बारिश भी उसी टाइम इतनी तेज आ गई ना, ठीक था। हमने ऑनलाइन कर रखी थी बुकिंग, तो फटाफट ही आ गया नंबर वहाँ पे। वो भी बहुत सही थे, मतलब जो कर्मचारी है ना, मतलब अच्छे से बात कर रहे थे, अच्छे से। खाली था कि भरा हुआ था? ज्यादा लोग नहीं थे, और थे जो वो थे ना वॉकिंग वाले, वहाँ पे लाइन थी, वॉक इन वाले में लाइन थी, लेकिन जो पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जा रहे थे उनके लिए कोई लाइन नहीं थी ऐसी, क्योंकि सब अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही पहुँचे। हमारे से आगे एक दो थे, हाँ लगाया, फिर हम ये थे दोनों मना, इसके बाद कोई आया। वो ऐसी आधा घंटा हमने बिठा के रखा ना, लगाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा बिठा के भी रखा, अरे बैठो, तो खाना खा के जग गए थे। हाँ रोटी खाई थी, तो बोलते हैं ना कि खाना खा के आना। हाँ बोलते हैं ठीक ठाक, मतलब खाना वाना खा के तो खा लेते हमने रोटी सब्जी सुबह आके, फिर लंच किया डेढ़ बजे। मतलब आज तो नहीं है दर्द। दादी जी आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। हाँ। दर्द हो रहा है? कम हो रहा है। हाँ। अभी दर्द नहीं हो रहा है। अब देखो कल तक क्या होता है। बुखार वगैरह भी आ रहा है आप लोगों को? अभी तो नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं आ रहा। कुछ दवाइयाँ भी दी उन्होंने? नहीं, कुछ दवाइयाँ दे रहे थे पर हमें पता ही नहीं था ना, पर हमारे तो घर में पड़ी है, पीछे में तो देंगे। वो गई थी, ये वो गई थी दवाई लेने ना, तो कैसे देखा कि हमारे घर में पड़ी है, ये देने उन्होंने पीसीएम थी ना, तो मैंने तो और को मिल जाएंगे हमारे घर में, जब हमारे पास है। अभी एक महीने बाद और लगेगा, 28 दिन के बाद दोबारा से दूसरी डोज लगेगी। अभी तो प्रियंका रहेगी, प्रियंका का नेक्स्ट वीक में देखते हैं। अभी नहीं हो रहा उसका, कल शिवांगी देखते हैं। स्लॉट ही खाली नहीं है उसका, भी लग जाता ना तो ठीक ठाक है, अगले स्लॉट में तो फिर हम हो जाएगा ना। आज तो बर्थडे आ रहे थे, जैसे हम डर रहे थे ना, वैसे कुछ नहीं। हाँ ज्यादा मतलब अब हो रहा है दर्द ना, वहाँ पे हो रहा है जरा सा, पर जो बिना रजिस्ट्रेशन जाते हैं ना दादी, वो उनकी भीड़ थी, उनकी लंबी लाइन लगती है ना। कोई लोग वहाँ पे वो लेके ना मोदी जी का या जो भी है अपना घर घर जाने के लिए बोल रहे थे, अरे अच्छा क्या नहीं, अगर कोई छूट भी जाते हैं घर में तो हम घर जाके घर जाके करेंगे वैक्सीन का, घर जाके लगा रहे। हाँ करे, घर घर जाके भी होगा ये, जो सबका बोलना जा सकते जो ना। आप लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया? जी लगवा लिया।
कौन सी दोनों डोज लग गई है? फर्स्ट डोज थी आज कोवैक्सीन की। अच्छा, आप लोगों के घर में भी होंगे बहुत सारे लोग जिनको नहीं लगा होगा। जी हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल से भी हैं और ये जो यूथ वॉलेंटियर है नेहरू युवा केंद्र जो है वहाँ की ये वॉलेंटियर है। जी, ये लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को लगवाने के लिए भी, और आगे जो भारत सरकार का प्लान आने वाला है कि डोर टू डोर जाके, जी उसका थोड़ा प्रिपरेशन हो रहा है कि हम कैसे करें कि लोग जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम ना चले, इसको एक अवेयरनेस के माध्यम से 15 तारीख तक करेंगे। दिन उसके बाद फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और आउटरीच करके लोगों को घर से लेके आएंगे वैक्सीनेशन। जी जी, बहुत ही शानदार है आपका। जी, थैंक यू, वेरी गुड कॉल, थैंक यू सर। फिर उन्होंने हमें एक एक मास्क भी दे दिए। बहुत बढ़िया है, मैंने कहा बढ़िया हो गया। मास्क खाता हूं, बोल भी बोल सही थैंक यू, और खाता है कि मास्क पहन के रखना और वो गज की दूरी रखना, मतलब हां वैक्सीन लग गई थी, ये नहीं कि फ्री हो गए, मास्क तो जरूरी है, बाहर निकलते हैं हम, वॉक करते हैं, हम लोगों को भलाई के लिए आए बेटा, वो जो कर रहे हैं तो है ना, सही बात है। हम लोग तो हम क्या हम तो फिर भी करते हैं, हमको घर से बाहर नहीं निकलते हैं कुछ भी, जो लोग मॉल में देखो कहीं इधर उधर देखना इतनी भीड़ लगा रखी है, जैसे कि इसके बिना इनका काम ही नहीं चल रहा होगा। जैसी बीमारी आप दूर हो गई होगी, मैं तो कह रही हूँ बहुत देना थी, बस फटाफट चले जाए बीमारी, कम से कम हम अपनों को नहीं मिल पा रहे, मतलब अपने रिश्तेदारों को नहीं मिल पा रहे, कहीं किसी का कुछ बर्थडे वगैरह है कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, जैसे हम पहले कितना एंजॉय करते थे, अब बहुत बेकार हो रहा है। शादी ब्याह मिलना कुछ भी जितने हमारे हैं सब जो आ नहीं सकते जा नहीं सकते, चलो अभी मतलब अभी भी हो जाए खत्म तो बस बढ़िया। सही लगा ना आप लोगों को, मतलब आप लोगों को दोनों का टीकाकरण हो गया, टीका फिटाई लग चुकी है आप दोनों का, अब तुम्हारा जो हो जाता है ना हाँ सर, ये टाइम से हो जाएगा सब, लगा सकते हैं ना प्रियंका जी। हाँ, प्रियंका को भी नेक्स्ट वीक में देखते हैं, अगले आने वाले सप्ताह डॉक्टर से तो कह रहे कोई बात नहीं फिट कराती है तो मतलब लगा सकते, और उन्हें भी लगा दिए, कोई नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी जैसी स्लॉट उसका मिलता है उसके लिए बुक कर देते हैं और उसको भी लगा देते हैं। चलो पक्के हो गए दादी जी, सही है। तो भाई ये था दादी जी और मम्मी का एक्सपीरियंस, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, देखा होगा आप लोगों ने, अभी छुस किचन से सीटी लग चुकी है, अब अंदर जाके मिलता हूँ। ये था मेरी दादी और मम्मी का पोस्ट वैक्सीन एक्सपीरियंस। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आप तब तक लाइक शेयर कमेंट करिए, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।